अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप कैसे होंगे। यार मैं आज एक चीज सोच रहा था, काफी दिन हो गए हम जो है ना बर्ड मार्केट नहीं गए और कोई नया परिंदा अपने मेरी जू में लेकर नहीं आया यार। तो मैं सोच रहा हूँ आज हम बर्ड मार्केट जाते हैं और कोई नए परिंदे जो है ना काफी सारे लेकर आते हैं और इब्राहिम को जो है ना सरप्राइज देते हैं, क्योंकि वो अभी इधर आया हुआ नहीं, वो मजे से सो रहा है घर पे। तो मैंने सोचा मैं अभी मिनी जू जाता हूँ, अपने परिंदे को देखता हूँ, उनका ख्याल व्याल करता हूँ। और जो है ना आज इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि हम जाते हैं बर्ड मार्केट और वहाँ से जो है ना काफ़ी सारे बर्ड्स ला के ना इब्राहिम को जो है ना हम सरप्राइज़ देंगे। और वो काफ़ी टाइम हो गया यार, असल में काफ़ी टाइम हो गया हम लोग बर्ड मार्केट नहीं गए, कोई परिंदा वगैरह नहीं लेकर आए। हम तो बकरों और उनमें लगे हुए थे, गाय वगैरह में लगे हुए थे अपने के भाई कुर्बानी मंडियों में घूम रहे थे। तो मैंने सोचा आज हम जाते हैं बर्ड मार्केट, वहाँ से लेकर आते काफ़ी सारे परिंदे और क्या नाम है उन परिंदों को लाते हैं अपने मिनी जू में, एडिशन करते हैं और नई चीज़ें लेकर आते हैं यार। मतलब वही क्या वही चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ और कोई नई नई चीज़ आई नहीं अभी तक। तो मैंने आज मैंने सोचा आज हर हाल में मैंने बर्ड मार्केट जाना है और वहाँ से परिंदे वगैरह लेकर आने हैं मैंने यार। और इब्राहिम को जो है ना इस चक्कर इस बार इब्राहिम को सरप्राइज भी हो जाएगा और हमारे नए परिंदे भी आ जाएंगे यार। मतलब इतना यार बड़ी मुश्किल से सॉरी सफाई की है, आपने देखा होगा इसकी सूरत हाल देखी होगी कि जब से हमने वहाँ पे यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह किया था दोस्तों ने मिलके, टाइम हो गया था हमने हमारे मिनीज़ू में कोई नए बर्ड वगैरह नहीं आए थे। तो मैंने सोचा आज हम ले आते और क्या नाम है, मैं आपको बता रहा था कि यार हमने जो है ना काफ़ी टाइम लगा के रात को अपना सारा मिनीज़ू जो है ना साफ़ किया यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था यार। यहाँ पर जो है ना हमने जब से बारबेक्यू किया था बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंद मचा हुआ था। और ये देखो यार कैसे मुश्किल हो किया हुआ है ब्रांड ने, ये लो हमारे रैबिट्स, ये लो खाओ यार, आप लोगों को भूख लगी भी होगी। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मैंने क्या करना है अपने रैबिट्स का जो हाउस है ना यार उसको भी प्रॉपर से हमने जो है ना इसको सही करना है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की स्लेब्स वगैरह है ना यार वो काफ़ी टूट चुकी हुई है। तो आप जैसे कि देख सकते होंगे इनको जो है ना बेचारों को ब्रीडिंग वगैरह में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैंने सोचा इनका घर वगैरह ना प्रॉपर बनाते हैं यार, इनको सबको कवर करते हैं ताकि ये लोग जो ना अंडे बच्चे मतलब अंडे तो नहीं यार वायरल बच्चे वगैरह जो है ना ये दे सके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो इन्हें बच्चे वगैरह नहीं, जब से इनके घर टूटे ना यार सही प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए तब से ये लोग जो है ना ब्रीडिंग वगैरह इन्होंने रोकी हुई है। तो इनका जो है ना ये सिस्टम मैंने देखना पड़ेगा। और ये कितनी जल्दी और गंदा हो जाता है हमारा मिनी जू, ये देखें थोड़ा सा काम करो यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पे काम करो ऐसे गंदा हो जाता है। ये देखिए क्या ये खाली चारा खोल के यहाँ पे डाला यार, अभी सबको दाना पानी वगैरह देते हैं फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो सारी बर्ड्स को हमने दाना पानी वगैरह जो है कर दिया हुआ है, अभी इंशाल्लाह जो है ना पूरा दिन इनका आराम से निकल जाएगा, सबको मैंने दाना पानी वगैरह डाल दिया हुआ है। तो हम अभी चलते हैं बर्ड मार्केट, मैं अभी जाऊंगा काम पे, वहां से हम जाएंगे बर्ड मार्केट इंशाल्लाह, वहां का व्लॉग भी आपको दिखाऊंगा, वहां भी हम जाएंगे जब आपको आपको साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, वहां की सूरत हाल भी आपको बताऊंगा। सुना है बड़े रेट नीचे आए हैं यार, मैंने आजकल सुना है बहुत बुरी सूरत हाल है मार्केट की, मतलब परिंदे जो है ना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बर्ड मर रहे हैं, कोई भी जो है ना इतनी परचेजिंग नहीं कर रहा क्योंकि बर्ड गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड बचते नहीं है यार। मैंने जो नीचे बर्ड्स रखे हुए हैं वो मतलब उनको इनकी इतनी इनका थोड़े बर्ड हैं हालांकि उनका इतना ख्याल रखना पड़ता है, जिनके पास इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं वो पता नहीं बेचारे क्या करते होंगे ना मतलब। तो मैंने सोचा अभी हम जाते हैं आज मार्केट, वहाँ देखते हैं सूरत हाल क्या है, वहाँ पे क्या रेट वगैरह, मैंने सुना बहुत ज़्यादा कम रेट हुए हैं, काफ़ी रेट नीचे आए हैं, तो चलेंगे देखेंगे जितना ज़्यादा अच्छा माल मिलेगा जितने अच्छे बर्ड्स मिलेंगे हम उतने ज़्यादा लेकर आएंगे और इब्राहिम को ला के रात को यहाँ पे ला के इब्राहिम को सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अभी हम, इनको मैंने दाना पानी डाल दिया सारा को, इंशाल्लाह पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपके लिए सरप्राइज है इब्राहिम, सरप्राइज। तो दोस्तों बताता हूँ उसको, ऊपर चल के खोलते हैं, दो मिनट रुक जाओ, हानिया मत देखो उसको यार, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ इसको यहाँ पे रख दो, चलो जी ये रख दो खराब है, चलो चलो इब्राहिम से ऊपर लेके। क्या हुआ है कैसे अपने व्लॉग में हम जो है ना बर्ड मार्केट जा रहे थे, आज हमने बर्ड मार्केट जाना था और हम बर्ड मार्केट गए, वहाँ से मैं इब्राहिम के लिए स्पेशल सरप्राइज लेकर आया, इब्राहिम से सफर नहीं हो रहा है, इब्राहिम दो मिनट रुक जाओ कुछ नहीं होता, देता हूँ दिखाता हूँ भाई, इब्राहिम से दोस्तों सफर ही नहीं हो रहा, कह रहा है मुझे फटाफट दिखा दो मेरे सरप्राइज क्या है। एक मिनट रुको भाई, उसका रैबिट का केज खोल दो पहले, जाओ
पहले रैबिट का केज खोलो, उसको रैबिट चाहिए, रैबिट का बेबी चाहिए। तो ये चारा है रैबिट्स का, ये चारा है ना यार, ये भी थोड़ा सा डाल लो। चाकू किधर है? इसके अंदर सरप्राइज है आपके लिए इब्राहिम, सरप्राइज इसके अंदर मैंने रखा है आपके लिए आज स्पेशल। पता है मैं गया हूँ मार्केट आपके लिए, मैंने बोला पता है मुर्गियाँ छोटी छोटी कौन से कलर की मुर्गियाँ, ये आम मुर्गियाँ नहीं है, ये स्पेशल वाली मुर्गियाँ है भाई, ये कोई आम वाली मुर्गियाँ नहीं है, स्पेशल वाली मुर्गियाँ हैं। हम मार्केट गए थे वहाँ से लेकर आए आपके लिए स्पेशल, मैं गया हुआ था आज, पता है आपको। ये कोई नॉर्मल मुर्गी नहीं है, ये वो वाली मुर्गियाँ नहीं है, ये जो ये इधर पड़ी हुई है ये वाली मुर्गियाँ नहीं है, ये वाली ये अलग चीज है भाई। आपने चलो देख लिया ना, मुझे बताओ इनका कलर क्या है, चलो बताओ। नहीं यहाँ तो आप गलत हो ना, यही तो आप गलत हो, आप लोगों को भी बताते हैं भाई, आपको भी बताते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने रैबिट वगैरह को खाना वगैरह डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। या पहले देखना है आपने, सरप्राइज देखना है अपना। ओए ये बेबी नहीं है, बहुत बड़ा रैबिट है यार। चलो भाई सरप्राइज को रिवील कर ही देते आखिरकार, क्या कहते हैं भाई? एक मिनट को यहाँ से निकालते ना। तो भाई इब्राहिम एक्साइटेड हो अपने सरप्राइज के लिए हैं? आओ भाई आओ, चलो निकालो, आप निकालो, चलो आप निकालो, आप निकालो, लाओ इधर रखो, चलो इधर रखो, चलो जी। इसको कहते हैं गोल्डन बफ, ये जी ये देखो गोल्डन बफ, देख रहे हो इसके सारा पूरा ये ना बाली वाले पूरा कवर्ड है हेयर से ना, ये देखो ये इनको कहते हैं गोल्डन बफ। ये देखो ये इब्राहिम का सरप्राइज, इसको यहाँ मत रखो इब्राहिम, इनको इनको उधर ही रखेंगे हम जो है ना दोस्तों, हमारे जो नए वाले जो मुर्गे आए ना, नए वाले जो चूजे हैं चिक्स आए हैं, तो उनको भी जो है ना हम इसी वाले केज में रखेंगे। इब्राहिम उस बंदे ने पता क्या बोला था, उस बंदे ने बोला था आप इसको ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने उसको बोला हम इसको बड़े वाले उनके साथ छोड़ सकते हैं, तो उसने बोला हाँ आप छोड़ दो, एक दो दिन जो है ना आपको इनको आपस में लड़ेंगे तंग करेंगे, फिर ये आपस में सेट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे रहेंगे। इनको अलग केज में रखना यार, ये वैसे ये इनको ना प्लेन चीज जगह चाहिए होती है ऐसी। तूड़ी यार उससे बहुत गंद हो जाएगा इसके अंदर, दूसरी एक और कहाँ की ये ली, ओ इनको काट लेगा सिम्बा, सिम्बा सबर कर जाए यार, इसका कुंडा कहाँ गया, सुरखाब ने अंडा दिया हुआ रेहान, इब्राहिम सुरखाब ने अंडा दिया हुआ हमारी भाई, ये देखो, अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा ये अब अंडा माशाल्लाह बिल्कुल सही दे रही है आजकल ना यार, हमारा और हमारा फिर इंक्यूबेटर खराब हो गया, आपको पता है हमारे इंक्यूबेटर में से जो है ना हैचिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इब्राहिम सुरखाब ने एक और अंडा दिया, ये देखो, नहीं क्यों तोड़ दूँ भाई यार, सही सलामत है ये अंडा, ये अंडा सही सलामत, इसको कोशिश करते हैं इनक्यूबेटर में रखते हैं भाई, लाइट्स ऑन करते हैं लाइट। ऐसा दिल तो नहीं कर रहा मेरा इसको इनक्यूबेटर के हवाले करने का यार, क्योंकि हमारे सारे अंडे इनक्यूबेटर के अंदर ख़राब हो रहे हैं, आप लोगों को पता तो है। कोशिश करते हैं, क्या कह सकते हैं, और कोई हल, और कोई इसके अलावा हल भी तो नहीं है ना यार हमारे इनक्यूबेटर के अलावा इसके अंदर रखने के ना, तो बिस्मिल्लाह करके रख देते हैं, अल्लाह मालिक है यार, बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे इसमें से बेबीज निकल आए यार, इन तीनों में से ये जो तीन है ना ऊपर की लाइन में पड़े हुए ये तीनों हो जाए, ये रैबिट का दाना गंदा कितना जल्दी हो जाता है यार, ये देखो ये जंतर में ना बहुत ज़्यादा खिला रहा है जंतर में इब्राहिम, ये इसको डाल देता हूँ थोड़ा, क्या हुआ, तो थोड़ा सा जो है ना मैं इनको डाल देता हूँ मुर्गों को, ये बड़े शैतान मुर्गियाँ हमारी, इनको डाल देता हूँ। हाँ शैतान यार, एक तो ये क्यों रो रहा है, ये सरप्राइज आपसे डर रहा है, तो यार अभी ये नया नया है ना यार, बेचारी चूजे हैं बेचारे नए नए डर रहे हैं, ये अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे। भाई इब्राहिम आप क्या कर रहे हो इनके साथ, यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनको यहाँ नहीं रखते, इनको उधर ही छोड़ते हैं, चलो एक मिनट ट्राई तो लेते हैं, एक ट्राई करते हैं, क्या पता इधर वहाँ पे जो है ना ये सही मतलब वो, अब ये मेल है और ये फीमेल है, इसके ताज से उसने बोले पता चलेगा आपको, चलो हैं नहीं उड़ता कहीं भी जाता, चलो बिस्मिल्लाह करके डालना उसके अंदर, मारे ना उसको ये, अरे फेंको, अरे ये क्या सीन है, तो कह रहा हूं मैं।
ये कैसी नहीं इसको ये उसको मार क्यों रही है यार, ये तो अजीब चक्कर है। अरे हाँ मुझे समझ आई इसको कहाँ पे छोड़ना है, पता है आपको इब्राहिम मुझे पता चल गया इसको पता है कहाँ पे छोड़ना है हमें, इसको सुरखाब के केज पे छोड़ना है मुझे अब समझ आई है। ये देखिए ये देखिए, हटो हटो चलो अंदर चलो। ये देखो देखा वो देख कैसे उसको तरह वो हो रही है लोग, वो भी तो उसको खा जाते हैं लोग। वो सुरखाब देख रही है उसको, सुरखाब देख रही है हमारी, सुरखाब उसके पास जा रही है आइडेंटिफिकेशन। इब्राहिम का वो दूसरा पेयर भी इसके साथ रख दो वरना ये परेशान हो जाएगी। देखा मुझे याद आया था, मुझे ना एकदम जहन में आया कि इनको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, वो तो ऐसे मार रहे हैं इनको यार यौली मुर्गे सारे, तो अभी हम क्या करेंगे इनको रख देते हैं यहाँ पे। हाँ जी आप दूसरा ला ले लो अंदर से इब्राहिम, एक मिनट जाओ लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, इनको पानी पानी भी डालना है ना अभी हमने। हाँ ऊपर पड़ा हुआ हमने रखा हुआ था ऊपर। ओए कीच बंद करो, ओए कीच 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 रियान, नहीं 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 रियान, नहीं नहीं नहीं। तो यार इब्राहिम ना तंग करो, इब्राहिम ने तो जो है भाई आती इनको पकड़ लिया वगैरह, मैं इनको अभी अंदर नहीं रखूंगा, इनसे मैं खेलूंगा। मुझे वाइट वाला चीज भी पकड़ा दो। आप पकड़ लो ना खुद ही, कुछ भी नहीं कहता, कानों से पकड़ो तो ऊपर से निकालो, ऊपर ऐसे ना वो ऊपर वो डब्बा उठा के ना उनकी प्लेट, ध्यान से तोड़ नहीं देना उसे। तो इब्राहिम आप अभी इनसे, इनको पानी दिया आपने, इसको कहते हैं गोल्डन बफ इब्राहिम, ये गोल्डन कलर की होती है, अल्लाह करे यार ये बड़ी हो जाए। ये देखो ये सामने पानी और दाना भी डाला यार, ये दाना तो मेरे ख्याल ये नहीं खाएंगे, इनके लिए मिक्स वाला दाना जो नीचे पड़ा ना वो देना पड़ेगा इनको। ये रहा पी रहे पानी पी रहे, गिरा मत देना। फैंसी मुर्गिया ये गोल्डन बफ है हमारी, ये वाली फीमेल है और वो वाला मेल है जी। और पीछे रहे इनको पानी पीने का, पानी पीने के लिए जरा। तो गो यार ये बेचारा इधर क्या कर रहा है, इसको खाना नहीं। ओए आराम से। एक मिनट छोड़ो आप दोनों, मार दोगे रियान, छोड़ो रियान, आपको मैं वो देता हूँ रियान, छोड़ी आपको मैं दूसरा दे देता हूँ। यार वो ना बस बीमार हो के ना एक एक करके दोनों सारे 9 बेबीज 10 बेबीज थे हमारे पास, 10 बेबीज मर गए सारे। तो यार हमारे बबलू और बबली क्या कर रहे हैं आज, हमारे बबलू और बबली को हमने देखा ही नहीं बिल्कुल भी। क्या हुआ सिम्बा को नहीं खोलो रियान, पीछे हो जाओ। सिम्बा किसी को हो रही है, इसको खाने दो, खाना खाने दो इसको, यहीं पे रोटी खाने दो इसको, मत निकालो भाई, पीछे हो जाओ इब्राहिम, पीछे हो जाओ, ये खुद ही यहाँ पे लगी रहेगी, इसके साथ लगा रहने दो इसको। यार हम तो वहाँ रखे गए थे, पता नहीं कैसे निकल गई थी यार। तो बहरहाल इब्राहिम को जो है ना माशाल्लाह अपना सरप्राइज जो है ना काफी पसंद आया, तो ये जो है ना इब्राहिम उम्मीद कर अभी अच्छा जाते हुए ना इनको सुरखाब वाले केज में रखना ठीक है, हमने जाते हुए इनको यार इसमें ये तंग हो जाएंगे, इसमें नहीं रहेंगे ये लोग। अरे तूरी नहीं रहेगी इसके अंदर, तूरी गिर जाएगी, मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे रखते हैं इब्राहिम को, इब्राहिम कह रहा नहीं इसको हमने इस वाले केज के अंदर रखना, छोटे वाले केज के अंदर, पता नहीं क्या इसके, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रहेंगे जमीन के नीचे सही सलामत रहेंगे आराम से। चल रहा है हमारा फटा चल रहा है, देखो क्या तय होता है फाइनल। तो आखिरकार आपने उसको वहाँ डाल ही दिया ना, वहीं जाना था, मैं पहले ही आपको कह रहा था इनको वहीं रखेंगे हम। किसने भाई नए रैबिट, नए हमारे जो चिक्स है ना यार, उन्होंने आते ही इब्राहिम को जो है पंजा मार दिया है। क्या कहाँ पंजा था मारा आपको इसने, इस वाले केज में तो नहीं डालेंगे, सारे जितने भी हमारे बर्ड्स है ना यार वो सारे जंगली है। और जो है ना मैंने जैसे ही हमने एक जो डायमंड गोल्डन डफ को अंदर रखा ना, गोल्डन बफ है ये नाम याद हो जाएगा एक दिन में इंशाल्लाह, इसके हम नाम भी रखेंगे इब्राहिम, सही है इन दोनों के हम नाम रखेंगे गोल्डन बफ को। जैसे ही मैंने इधर छोड़ा ना ये सारे भाग के ऐसे उसके ऊपर अटैक करने को आ गए थे, तो अभी हमने इनको वहाँ पे रख दिया हुआ है इस सुरखाब वाले केज में ना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे एक दिन में सेट हो जाएंगे और दाना पानी उठाने लग जाएंगे इंशाल्लाह, तो सेट हो जाएंगे ना इब्राहिम। इधर हमारे काफ़ी परिंदे हैं ना, इधर हमारे कबूतर भी हैं, तोते भी हैं और ये मुर्गियाँ सुरखाब।
दूरी डाल के डालने नीचे नहीं गिरती। अरे यार आप क्यों उसको पिंजरे में क्यों डालने पे तुले हुए, उसको अच्छा है ना बाहर घूमने दो, थोड़ा इनको घूमने दो यार, जितना इतना घूमेंगे ना ये लोग ये उतना हेल्दी होंगे पता है, उतने अच्छे से बड़े होंगे, ये इतने बड़े होंगे फिर इनके लिए घर भी बनाना होगा। घर तो बाद में बनाएंगे, अभी ये तो जितना खुली जगह में घूमेंगे ना ये उतना इनके लिए अच्छा होता है कि खुली जगह में घूमना, और ये उतना ही सही रहते हैं पता है आपको। हाँ इनको छोटी जगह में रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, तो ये जितनी खुली जगह रहेगी उतने हेल्दी और एक्टिव होंगे ये पता है आपको। तो हमारे सुरखाब भी देखो इनको हमने खुली जगह पे रखा हुआ है, हमारे कबूतर वगैरह देखो कैसे हमें देख रहे हैं, हमारे तोते वगैरह सब जो है ना इसीलिए तो इतने एक्टिव, इनको हमने खुली जगह पे छोड़ा हुआ है। हाँ सुबह में मैंने सुबह पता क्या देखा, सुबह हमारे इस वाले केज के अंदर ना इस वाले डब्बे के अंदर नेस्टिंग बॉक्स में कबूतर गया हुआ था, ये वाइट वाला ये वाला वाइट वाला। हाँ तो अच्छा है ना ये लोग जो है ना मतलब अंडे वगैरह दे दें तो हम सुरखाब के अंडे इनके नीचे रख दिया करेंगे पता है, आगे आने वाले टाइम में हम ये किया करेंगे। तो अभी सरप्राइज हमने जो हमारे आए थे चिक्स आए थे वो हमने अंदर छोड़ दिया, इब्राहिम उनके पीछे पीछे जा रहा है बार बार उनके साथ खेल रहा है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूं आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अरे छोड़ दो उनको घूमने, तो वो खेलने तो थोड़ा